आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है ऑपरेटर, और फोर्थ टॉपिक क्या होगा बताइए? फोर्थ टॉपिक होगा स्टेटमेंट, और फिफ्थ टॉपिक होगा आपका फंक्शन। दैट्स इट फ्रॉम द फंडामेंटल। ठीक है, कितने टॉपिक है फंडामेंटल में? फाइव और पांच में से हमने कितने कवर कर लिए? टू तो आज हम लोग किस कौन सा कवर कर लेंगे? ऑपरेटर। यस, दैट्स करेक्ट। नाउ सो ऑपरेटर, व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक ऐसा चिन्ह है, सिंबल है, साइन है, सिग्नेचर है, पर्टिकुलर ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अ सिंबल, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, अ सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। इसका मतलब है कि एक सिंबल है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है स्पेसिफिक किसी ऑपरेंड पे। तो एग्जाम्पल समझ लेते कि कौन सा ऑपरेटर है और कौन सा ऑपरेंड है। लेट्स सी, मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, लेट वाई एंड लेट टोटल इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो यहाँ पे कितने सिंबल, लाइन नंबर 14 में हमने कितने सिंबल इस्तेमाल किए हैं जो साइन है? One. ये एक सिंबल है, इसका कुछ स्पेसिफिक टास्क होगा। और इसका ऑपरेंड कौन सा हो सकता है? इसका ऑपरेंड हो सकता है ये वेरिएबल, जो वैल्यू होती है उसे ऑपरेंड कहते हैं, और ये भी एक वैल्यू है, इसे भी ऑपरेंड कहा जाता है। अगर मैं हम लोग वापस से एक बार में सिंपल में बता दूं, जैसे कि a प्लस बी, तो इसमें ऑपरेटर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? प्लस। ये जो साइन है या सिंबल है ये है आपका ऑपरेटर, और ये जिस पे प्रोसेस कर रहा है डेटा, वो वैल्यू कौन सी है? a एंड बी। तो ए एंड बी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑपरेंड। और ये जो साइन है इसे क्या कहेंगे? ऑपरेटर। ऑपरेटर। तो ऑपरेंड नथिंग बट इट इज वैल्यू, और वी कैन से वेरिएबल एज वेल, इट कैन बी। ठीक है, वो जो वैल्यू को हम लोग मोस्टली करके ऑपरेंड कहेंगे। एंड ऑपरेटर उसकी जो डेफिनेशन है मैंने आपको यहाँ पे लिखाई दी है, अ सिंबल विच परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। क्या ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिया तो इसका क्या काम है ये सिंबल का? व्हाट इट डज, व्हाट ऑपरेशन इज डूइंग राइट? एडिशन। नहीं, यहाँ पे देखो एक बार, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका जो मतलब है कि ये कोई तो ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेगा। क्या आप लोगों को क्लियर है, जिसे कंफ्यूजन है कि ऑपरेटर क्या है, इनमें से ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेंड कौन सा है? नो सर। लेट्स सी, स्पीक अप टू सागर, विशाल, अष्टमा। ये जो सिंबल है या साइन है इसे क्या कहेंगे हम लोग? अष्टमा, ऑपरेटर। ऑपरेटर जो जिस पे ये काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, इसे क्या कहते हैं? ऑपरेंड। ऑपरेंड। भक्ति प्रणाली। यहाँ पे फोकस करने का रीजन एक ही है, क्योंकि इसके बाद जो भी पढ़ेंगे वो उसमें हम लोग एक ही शब्द यूज करेंगे, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। सो यू शुड अवेयर अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग एग्जैक्टली। प्रणाली quickly. Yes sir. Which one is the operator here and which one is the operand? कौन सा operator है और कौन सा operand है? A is the operation and operand B. No, both are operand. जो भी value होंगी ना,
जो भी वैल्यू होगी जैसे कि लेट इट ओके फाइन 50 डिवाइडेड बाय 60 ठीक है, इसमें ऑपरेटर कौन सा है और ऑपरेंड कौन से है। जो वैल्यू होती है देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी वॉट एवर वैल्यूज आर दोज आर ऑपरेंड और जो भी सिंबल होगा वो क्या होगा ऑपरेटर, दो ही चीजें है यहाँ पे। ओके सर, तो यहाँ पे ऑपरेंड कितने हैं यस यस लाइन में टू यस करेक्ट टू ऑपरेंड करेक्ट टू ऑपरेंड एंड वन ऑपरेटर ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, दैट्स ग्रेट गाइस, सो लेट्स अहेड। सो ऑपरेटर की जो कैटेगरी है आपको ये भूलना नहीं है कभी भी अभी, और बहुत सिंपल है ठीक है, बहुत सिंपल है ये चीजें। आज ऑपरेटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑपरेटर में आप लोगों को समझ में आया कि जो साइन है या सिंबल है उसे हम लोग ऑपरेटर कहेंगे, और जो वैल्यू पे वो परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन वो पर्टिकुलर जो साइन है उसे हम लोग ऑपरेटर कहेंगे। दैट्स इट, इतना ही है। अभी देयर आर वी कैन कैटेगराइज कैटेगराइज ऑपरेटर ऑपरेटर इन थ्री कैटेगरी। कितने कैटेगरी में हम लोग कर रहे हैं अभी? थ्री कैटेगरी। वन यूनरी, इसका मतलब होता है सिंगल या वन। टू बाइनरी, इसका मतलब होता है टू या डबल, है ना। थ्री टर्शियरी, इसका मतलब टर्नरी या टर्जरी, आपको जो भी बोलना है। थ्री या थ्री रहेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या आप लोगों इसका जो मतलब है ये समझ में आया? यूनरी सिंगल होता है इसका, बाइनरी मतलब दो, टर्नरी मतलब थ्री। तो ये तीन कैटेगरी में हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। अब ये वन टू थ्री क्या है? व्हाट इज वन टू थ्री, व्हाट इज वन टू थ्री? तो इसका भी मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिख देता हूं। विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑन ऑपरेशन ऑन वन ऑपरेंड, दैट ऑपरेटर वी कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर ठीक है। दैट्स इट, जो एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि 9 है एंड प्लस प्लस, तो यहाँ पे कितने ऑपरेंड दिख रहे हैं आप लोगों को? हाउ मेनी ऑपरेंड आर देयर? वन ऑपरेंड मतलब वैल्यू, मैं वापस से बता रहा हूँ ठीक है। तो अगर एक ही वैल्यू पे काम कर रहा है वो, तो वो यूनरी कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही जैसे कि प्लस, तो ये कौन से ऑपरेटर है इसके अंदर, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन बाइनरी के ऊपर आ जाते हैं, इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं। विच, बताओ भाई इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है? ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड, दैट ऑपरेटर ऑपरेंड बाइनरी, इट इज कॉल्ड बाइनरी ठीक है। फॉर एग्जांपल 80 प्लस 20, यहाँ पे कितने ऑपरेंड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? दो ठीक है। एंड टर्नरी इज देयर, विच ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन थ्री ऑपरेंड, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे, टर्नरी ऑपरेटर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें ना ये ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क और ये दो चीजें यूज की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर ये ट्रू है, पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो लिख देता हूँ मैं पास, नहीं तो मैं लिख देता हूँ फेल्ड। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो कितनी यहाँ पे वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आप लोगों को? वन टू एंड थ्री, मतलब मिनिमम थ्री वैल्यूज आप यूज कर रहे हो, मैक्सिमम कितनी भी कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन
ठीक है, तो आप लोगों को यही इसमें कुछ कंफ्यूजन है, वन फॉर यूनरी, टू फॉर बाइनरी, थ्री फॉर टर्नरी, वन टू थ्री तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी यूनरी ऑपरेटर के अंदर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। यूनरी जो ऑपरेटर है मतलब सिंगल वाला, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मतलब ये वाला ऑपरेटर जो कि प्लस प्लस करेगा, और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर मतलब दो बार माइनस माइनस साइन होगा यहाँ पे ऐसे। अभी इसको डिकोड कर लेते मतलब समझ लेते कि डबल प्लस का मतलब क्या होता है। पहले प्लस का मतलब होता है वन, और दूसरे प्लस का मतलब होता है एडिशन, मतलब ये एडिशन करेगा। पहले प्लस का मतलब क्या होता है वन, और दूसरे का मतलब होता है ऐड करेगा। और सेम एज हियर भी, यहाँ पे पहले माइनस का होगा वन और दूसरे साइन का होगा मतलब माइनस। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? यस सर। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसके अंदर भी दो फ्लेवर होते हैं, बट लेट्स सी पहले आप लोग एक एक कर लेते हैं। एग्जांपल वन, लेट नम इक्वल टू 10, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो। कंसोल डॉट लॉग और नम वन, इसे करते हैं नम वन। क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे बताइए अभी आप? 10 बराबर जी, हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी। नम वन इक्वल टू प्लस प्लस, अब क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे? 11 नम ही कर देता हूँ यार मैं, मतलब नहीं तो कोई समझ लेगा कि वन से वन हो रहा है करके ना। 11 कितना होना चाहिए अभी? 12 सर। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो पूछे प्लीज। 11 ही होना चाहिए। क्या हुआ? इसकी वैल्यू कितनी आएगी फाइनली, किसी को कोई कंफ्यूजन है? देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 ऐड हुआ, कितना हुआ यहाँ पे? 11 और यहाँ पे कितना होगा? 12 और प्रिंट कर देगा। तो क्या हम लोग इसे कोडिंग में देखें एक बार करके? यस सर। Let num equal to 1 or console dot log num, आउटपुट में क्या आएगा आपको क्या लगता है? 1 yeah, बिल्कुल 1 आया। num 1 प्लस प्लस नम प्लस प्लस, अब कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर का एग्जांपल है, लेकिन इसमें दो फ्लेवर है जो मैं बता देता हूँ। इसी के अंदर आप लोग को ये ध्यान देना है, शब्द बहुत बड़े हैं लेकिन काम बहुत छोटा है। जैसे कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, तो जो हमने किया है ये आप मुझे, मैं पहले आप लोगों को प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये बता देना ये जो एग्जांपल किया ये प्रीफिक्स है या पोस्टफिक्स है। ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के बाद में यूज करेंगे, यानी कि जब आप जैसे कि किसी मोबाइल का रिचार्ज भी बाद में करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? पोस्टपेड, मतलब बाद में वाला, पोस्ट बाद वाला। और प्रीपेड मतलब क्या होता है? पहले बिल भरो या पहले रिचार्ज करो फिर चलेगा। अगर कोई
यूनरी ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले इस्तेमाल करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल प्लस एक्स एक्स है ऐसे या प्लस प्लस डी कर लेते हैं तो ये ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले यूज किया गया कि बाद में यूज किया हुआ है? अभी हमने पहले पहले हम लोग क्या कहेंगे? प्री का मतलब पहले होता है, ठीक है, और बाद का मतलब होता है जैसे कि पहले ऑपरेंड लेंगे और बाद में ये ले लेंगे। अगर ये जो ऑपरेटर है ये अगर हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे तो इसका इस्तेमाल आगे हो जाएगा अच्छे से, कोई बात नहीं है। जैसे ही हम लोग बाइनरी में असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर दे दूंगा मैं एक प्रॉब्लम, तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका प्री एंड पोस्ट का, वहां पे मैं आपको शो करूंगा। तो क्या आप लोगों को ये दोनों भी ऑप्शन समझ में आए? सेम एज अगर मैं कोई भी ऑपरेटर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया काउंट, लेट्स सी लेट काउंट, मतलब जो काउंटिंग कर रहा हूँ मैं ये, और ये जीरो से काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग जाएंगे कंसोल डॉट लॉग, ये डायरेक्टली यही भी प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। लेट काउंट स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको ना, और कंसोल डॉट लॉग, और ये काउंट जो है प्रिंट कर देंगे हम लोग, ठीक है। अभी काउंट का क्या ऑप्शन आ जाएगा, क्या होगा इसका, काउंट में क्या दिखाई देना चाहिए इसका आउटपुट? देखो काउंट में क्या दिखाई देगा, वन दिखाई देगा, ठीक है। काउंट माइनस माइनस अब क्या होगा? जीरो जीरो जीरो। अष्टमा जीरो क्यों हो रहा है? माइनस साइन, ठीक है, माइनस कर रहे हैं ना इसलिए। अभी अगर मान लो काउंट कितना होगा इसका, अभी वन है, यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे वन, जीरो प्लस वन वन, तो देखो एक बार क्या होता है। अब क्या होगा? One. बोलो, देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या हुआ? जीरो में हमने ऐड किया, वन ऐड किया, कितना हुआ? जीरो प्लस वन वन, यहाँ से हम लोगों ने वन माइनस किया, कितना हुआ? जीरो जीरो। ठीक है, पहले करो या बाद में करो ये चीज जो सीक्वेंस है? एनी कंफ्यूजन? ये जो इसमें कोई कंफ्यूजन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में? सर हाँ बोलिए ना सर। डिक्रीमेंट हम जब यूज करते हैं तो वो तुरंत अपडेट हो जाता है कि बाद में अपडेट होता है? नहीं, तुरंत तुरंत ही हो जाएगा ये। अभी यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर के टाइम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम मल्टीपल ऑपरेटर यूज करेंगे ना तो उसकी एक हायरार्की होती है, तो उससे उस समय ना ये वाला जो पोस्ट एंड प्री है वहां पे आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बाइनरी ऑपरेटर थोड़ा खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं यूनरी और बाइनरी का एक साथ, तब आप लोगों को प्री एंड पोस्ट में फर्क समझेगा। तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, अभी ज्यादा दूर तो है नहीं। ठीक है सर, हाँ बोलिए। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा पंखे का पीछे से, कौन है पता नहीं यार, जिसका होगा वो थोड़ा सा म्यूट पे जाए। अभिषेक है? हाँ प्रणाली का क्वेश्चन आ है, भक्ति अष्टमा विशाखा रिगार्डिंग की, देखो आप ना क्वेश्चन पूछो बिंदास, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है डाउट है ना, हाँ प्रैक्टिस करने के बाद भी कुछ एरर आते हैं तो मुझे तुरंत पिक कर देना,
अभी बाइनरी का तो आपको क्लियर हो गया है कि क्या है, और बाइनरी में हम लोग टॉप फोर ऑपरेटर पढ़ेंगे। बाइनरी के अंदर जैसे कि इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, वैसे भी बाइनरी के अंदर हमें ये ऑपरेटर पढ़ना बेहद जरूरी होते हैं। पहला ऑपरेटर होता है असाइनमेंट, दूसरा ऑपरेटर हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक, ठीक है। एक मिनट गाइस, एक ही मिनट देना मुझे। सॉरी, तीसरा है आप यूज कर सकते, क्या बोले आपने? कंपैरिजन कुछ बोल रहे हो? रिलेशनल भी कर सकते हैं, रिलेशनल लॉजिकल फोर्थ है, लॉजिकल मुझे तो लगता है बस इतने ही है। आगे बिटवाइज भी है और कुछ स्पेशल ऑपरेटर भी है, बिटवाइज ऑपरेटर भी होता है इसमें, बट हमें इसकी अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं। छठवा वाला जो स्पेशल होता है जैसे कि टाइप ऑफ, ये हम लोग देखेंगे लेकिन, ठीक है। टाइप ऑफ ये एक ही मतलब ऐसा है, ये सिंबल नहीं है, स्पेसिफिकली कुछ नाम दिया गया है इसका, तो शायद बिटवाइज हम लोग ना ले यहाँ पे, बट वी विल कवर टाइप ऑफ एज वेल, देख लेंगे। ये स्पेशल कैटेगरी में आ जाएगा, वो एक ही है सिंबल। तो हमें क्या क्या डिस्कस करना है? असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन और रिलेशनल लॉजिकल। ये ऑपरेटर करने के लिए आपको पांचवी या छठवी का थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सेवन स्टैंडर्ड में ये हम लोगों ने कब सीखा था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन से स्टैंडर्ड? कौन से स्कूल मतलब कौन से स्टैंडर्ड में सीखते हैं हम लोग ये? इसे क्या कहते हैं? ये इसे क्या कहते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, है ना? कंपैरिजन या रिलेशनल में ऐसे ग्रेटर देन, लेस देन, हाँ। लॉजिकल शायद ना सीखा हो, क्योंकि लॉजिकल एंड और नॉट ये शायद ही नहीं सीखा हो, लेकिन ये वाले जो है असाइनमेंट, अरिथमेटिक, ये स्कूल लेवल से ही आप लोग सीखते हो। बस यहाँ पे नामकरण अलग कर दिया है थोड़ा बहुत, इसके लिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास एक है, इक्वल टू। इसका काम क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसका सीधा और सिंपल काम होता है, जो भी राइट साइड की वैल्यू होगी, राइट साइड की वैल्यू होगी, वो लेफ्ट साइड के इसमें स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे यम लिख देता हूँ और कुछ वैल्यू भर ऐसे कर देता हूँ, तो ये ऑपरेटर क्या करेगा? ये जो वैल्यू है ये किसके अंदर स्टोर करेगा? ये असाइन। तो इसीलिए वो पर्टिकुलर वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू जो है, इसे असाइन कर देगा, इसीलिए इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। दिस इज अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये इतना समझ में आना चाहिए। क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? इक्वल टू का मतलब है कि जो राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर हो जाएगी या असाइन होगी। किसी को कंफ्यूजन है? ठीक है, ये तो हो गया है। अभी इसके अंदर ना कुछ शॉर्टकट यूज करते हैं, अगर आप कहीं पे दिखेगा एप्लीकेशन में तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि a इक्वल टू लेट्स सी 10 है, b इक्वल टू लेट्स सी 20 है, और c इक्वल टू, b की भी जरूरत नहीं है मुझे, बट ठीक है, c इक्वल टू या a इक्वल टू a प्लस b, है ना? तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे?
10 और b की वैल्यू कितनी है 20 दोनों का एडिशन कितना होगा 30 और ये किसके अंदर स्टोर करने के लिए बोला है A के अंदर तो इसका A का आउटपुट क्या होगा 30 ठीक है 30 ही होगा चलो कोई बात नहीं इसी को शॉर्टकट से लिख सकते हैं हम लोग अगर आपको पसंद हो तो कैसे शॉर्टकट से लिखना है A प्लस इक्वल टू B और ये ऑटोमेटिकली असाइन भी करेगा A में असाइन भी करेगा और एड भी कर देगा तो आपकी चॉइस है आपको ये इस्तेमाल करना है असाइनमेंट में या ये करना है लेकिन कहीं भी अगर आप देखोगे तो आप में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बताया ये पूरी तरीके से रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं कोई कोई डेवलपर इस तरह से कर लेगा एडिशन तो कंफ्यूज ना होना है सिर्फ एडिशन ही नहीं आप इसका आंसर क्या होगा आप 10 ठीक है तो आपको जो है ये ध्यान रखना है शॉर्टकट के टाइम पे आप इसे प्रैक्टिस जितना इसे सारी चीजें जो मैंने पटापट करके दिखाई ना यहाँ आप सब लोग console.log में जाके चेक कर लेना फिर भी मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ एक एक एग्जांपल जो है जो हमने वहां पे किया है वही कॉन्फिडेंस से हम लोग यहाँ पे भी करते हैं जैसे कि लेट ए इक्वल टू 10 लेट बी इक्वल टू 20 तो ये अभी दोनों कौन से ऑपरेटर है लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13 पे कौन से ऑपरेटर यूज किए मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर किए हैं और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी और इसे करते console.log में डिस्प्ले A की वैल्यू को मैंने कर दिया है अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे नो शायद से क्या आंसर सही आया है yes, sir. अगर इसके बदले में हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे A प्लस इक्वल टू B तो इसका आंसर क्या आएगा 30 तो यही है बहुत सिंपल है हम लोगों ने ये ऑलमोस्ट स्कूल लेवल तक कंप्लीट कर लिया है हमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की इसमें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बस आपको ये समझना है कि हमें इसे कैसे इस्तेमाल करना है एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है ठीक है देन अरिथमेटिक का अरिथमेटिक में अभी अरिथमेटिक तो अभी वापस से कर लिया था हमने लेकिन वापस हम लोग एक बार कर लेते हैं अरिथमेटिक के लिए तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन कहाँ पे हुआ है बताओ मुझे देखो अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक में कौन से ऑपरेटर है ये ऑपरेटर जो एडिशन परफॉर्म करेगा ये क्या मैं माइनस नहीं दे देता एक ऐसे दे देता एरो एरो भी कुछ तो सिंबल है यार मैं ये वाला दे देता हूँ ठीक है ये क्या परफॉर्म करता है अरिथमेटिक है सब्सट्रैक्शन करेगा ये क्या करेगा क्या आप लोग इसे यूज कर सकते हो डिवीजन क्या आप इसे यूज कर सकते हो यहाँ पे ऐसे मैं इसे बंद कर देता हूँ यहाँ पे अरिथमेटिक का नहीं तो चलो वापस से आप लोगों को दिखा देता है दिखाई देते हैं ना नहीं तो कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए तो अरिथमेटिक भी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था असाइनमेंट के लिए ये वाला हमने असाइनमेंट कर दिया था और ये वाला कर लेते हैं अरिथमेटिक इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं लेट यम इक्वल टू 10 लेट
z equal to 20 and let k equal to console dot log. या तो फिर आप लोगों को नेमिंग कन्वेंशन के साथ बता देता हूँ. लेट नम वन इक्वल टू 4, लेट नम टू इक्वल टू 5 एंड लेट टोटल इक्वल टू नम वन. पहला ऑपरेटर कौन सा है? फोर. ये इसमें अरिथमेटिक में कौन सा ऑपरेटर हम लोग डिस्कस करें पहला? एडिशन. तो ये हो गया आपका एडिशन हुआ यहाँ पे. हाँ सर. तो कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ. सेव कर लेते हैं. ठीक है. अभी दूसरा ऑपरेटर कौन सा है? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन. बराबर है आंसर? यस. तीसरा ऑपरेटर कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन. चौथा ऑपरेटर? डिवीजन. डिवीजन. ठीक है. तो आप इसे एक बार देख लेना कि किस तरह से आप काम कर सकते हो. कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे बता देना. ठीक है. तो ये हमारा था नेक्स्ट ऑपरेटर अरिथमेटिक, और दूसरा है रिलेशनल या कंपैरिजन. अभी इसका एक बात बहुत ध्यान से रखो, जैसे कि यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर ने कुछ नंबर रिटर्न किया है ना, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवीजन करके, ये नंबर परफॉर्म कर लेता है, ये नंबर को आउटपुट में दिखाता है. लेकिन दिस ऑपरेटर द रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स. क्या रिटर्न करेंगे ये? ट्रू और फॉल्स. या तो ट्रू होगा या तो ट्रू होगा या false. तो क्या होगा? फॉल्स होगा. फॉल्स. ठीक है. ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है किसी को? नहीं सर. नो सर. नहीं सर. नहीं, SD13 वाले बोलिए सबसे पहले. SD13 वाले. नो सर. नहीं तो बोलोगे कि सर आप भगा रहे हो, ऐसा मत बोलना. आप बताओगे तो उतना ही पढ़ाऊंगा मैं, और आपके हाथ में इतना पोर्शन है जो मैंने पहले ही बता दिया. आप जैसे चलना चाहो वैसे चलो, बस मैं तो आपका मतलब एक जीनी की तरह काम करूंगा. ठीक है. तो यहाँ पे अभी देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन. ये वाला किसी को कंफ्यूज हो सकता है, थोड़े बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये वाले ऑपरेटर में. इसे हम लोग, मैं लिख के दे देता हूँ. ये क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन. इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू. ग्रेटर देन इक्वल टू. लेस देन इक्वल टू. प्रणाली ऑडिओ हे व्हिडिओ चालू झाला चुकून बघा थोडा. ये क्या है? इक्वल विथ, क्या बोलते हैं इसे? इम्प्लिसिट लॉग. इक्वालिटी इसमें ये नए है, विथ इम्प्लिसिट नॉट अलाउड. ये एक्चुअली यहाँ पे पढ़ना चाहिए था हमें, लेकिन डेटा टाइप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए अलग से डिस्कस किया हम लोगों ने, बट वो ऑपरेटर ये है. ठीक है. चलो देखते हैं क्या रिटर्न करेंगे. बताओ आप लोग, जैसे कि 70 ग्रेटर देन 70 जो है 40 से बड़े है, क्या आंसर आना चाहिए? True. 10 less than 20. 10 जो है, true है सर. 10 जो है वो छोटे है 20 से. True.
10 greater than equal to 10. क्या पे देखो अभी ये ग्रेटर तो नहीं है, और करना चाहिए मुझे, ग्रेटर दैन तो नहीं है बट इक्वल टू है ना, 10 और 10 इक्वल है ना दोनों भी वैल्यू. यस सर. और जैसे कि 5 less than 5, जस्ट फॉर द कंफर्मेशन, 5 ये 5 से छोटे है क्या? False. लेकिन अभी True, sir. 5 जो है वो छोटे तो नहीं है बट बराबर है, मतलब इक्वल है, समान है, इसलिए यहाँ पे आएगा ट्रू. That's it. तो क्या आप लोगों को ये कंपैरिजन या जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, बट देन स्टिल नो सर. नो ठीक है. सो लेट्स सी, इसे मैं म्यूट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सॉरी माय बैड. लेट मैथ मार्क या मार्क्स 40 console.log is passed कर देता हूँ. इस पास्ट ये कौन सा वेरिएबल टाइप होना चाहिए? मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ लेट, लेकिन डेटा टाइप कौन सा यूज करना चाहिए यहाँ पे, कौन सा होगा यहाँ पे? सॉरी बुलियन देने की जरूरत नहीं यहाँ पे, मार्क्स मार्क्स अगर मैं ग्रेटर देन 40 तो आंसर क्या आएगा इसका? फॉल्स. फॉल्स फॉल्स क्यों आएगा कोई बता सकता है? क्योंकि 40 जो है ये 40 से बड़े नहीं है, मतलब मार्क्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 40 इक्वल है, लेकिन 40 से बड़े नहीं है वो. ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम लोग ऐसे यहाँ पे इक्वलिटी लगाए तो ट्रू आएगा. True, sir. मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अभी बताओ. 90 जो है 90 है, 90 से 90 जो है वो 40 से कम है क्या? नो सर. फॉल्स. ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो है ये डिस्कस किया है. ये हमारा क्या था, क्या सीखा हम लोगों ने बोलो? रिलेशनल ऑपरेटर हमने यहाँ डिस्कस किया, इसे कमेंटेड आउट करते हैं. और इसी फाइल के अंदर हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर कौन से है? लॉजिकल. लॉजिकल इसका मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूँ. दो सेंटेंस को जोड़ना है या दो वर्ड को जोड़ना है, दो सेंटेंस को जोड़ना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एंड और. एंड जब भी कभी ऐसे सिचुएशन आए जहां पे आपको लगता है कि दो कंडीशन जो है ना एक साथ हमें जोड़नी पड़ सकती है तो उस सिनेरियो में है हम लोग एंड या और का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट. जैसे कि अभी आप लोगों ने एक एक कंडीशन लिखी है, ठीक है, ऐसे एक एक करके लिखा है, आपको लग रहा है कि एक से काम नहीं होगा, एक के साथ आपको दो कम से कम कंडीशन जोड़नी होगी, तो उस सिनेरियो में या तो आप यहाँ पे और यूज करते हो या तो आप क्या यूज कर सकते हो? एंड. लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और एंड में, जो हमें समझना बेहद जरूरी है. चलो सबसे पहले मुझे बताओ लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग? जब भी कभी ऐसा सिनेरियो आए कि एट अ टाइम हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को जोड़ना पड़ेगा
तब जाके हम लोग ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे. ये क्लियर है आप लोगों को? We use when we need to join two or more condition together, then we use logical operator. ठीक है, अभी यहां पे मैं बता देता हूं कि एंड क्या रोल प्ले करता है. ये देखो, एंड का क्या रोल है कि जितनी भी कंडीशन हम लोग जोड़ देंगे उसका, जितनी भी कंडीशन होंगी उनका आंसर अगर ट्रू है तो ही आउटपुट क्या दिखाई देगा, ये ट्रू दिखाई देगा. ऑल कंडीशन, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये इफ ऑल कंडीशन ट्रू देन ओनली रिटर्न ट्रू. मतलब सारी कंडीशन अगर ट्रू है तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो क्या रिटर्न करेगा, else will return false. AD13 वाले जो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है वो बात कर ले, ठीक है. और यहाँ पे और थोड़ा सा इसके अपोजिट है, और है इफ वन कंडीशन ट्रू देन रिटर्न ट्रू एल्स. एक भी कंडीशन अगर, या तो फिर सीधा लिख देते हैं, इफ ऑल कंडीशंस फॉल्स देन ओनली रिटर्न फॉल्स एल्स विल रिटर्न ट्रू. इन दोनों में क्या फर्क है? जब एंड में जब सब कंडीशंस ट्रू होगी, क्या क्या सेम ही तो है बताओ क्या. एंड मध्ये जर सगळ्या कंडीशन्स ट्रू असेल तरच आपल्याला ट्रू येईल, किंवा मग नाहीतर फॉल्स लिहून येईल. आणि जर ऑर मध्ये सगळ्या कंडीशन्स फॉल असतील तरच फॉल्स करेल, नाहीतर मग एक जरी कंडीशन राईट असेल तरी ट्रू येईल. यस, करेक्ट आहे. ये सेम डेफिनेशन सेम असल्यासारखी आहे, पण इथे रिटर्न करणार ट्रू आणि इथे काय रिटर्न करणार फॉल्स, या दोन गोष्टी आहेत. ठीक आहे, अजून थोडस कन्फ्युजन असेल तर मला विचारा, इम्प्लिमेंटेशन सांगून देईल मी, डोंट वरी. याच्यामध्ये अजून कोणाला काय काय कन्फ्युजन आहे? उत्कर्ष? नाही सर, ते एक वेळा सर प्रॅक्टिकल बघितल्यावर सर क्लिअर होऊन जाईल. ठीक आहे, प्रॅक्टिकल दाखवून देतो मी. ठीक आहे, मेन हे दोन आहेत जे आपण रेग्युलरली युज करणार आहोत. लेट्स सी नम वन. अभी नम वन नहीं, अभी थोड़ा सा लेट मैथ इक्वल टू 10, लेट साइंस इक्वल टू 20, लेट इज पास्ट इक्वल टू मैथ ग्रेटर दैन इक्वल टू 40. कितीला पासिंग असते दहावीला? 35. एंड या और, मैं और कर देता हूँ यहाँ पे. क्या करूँ, और या एंड? साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 35. और के बदले में हम लोग ऑपरेटर का साइन. चलो अब बताओ, ये पहली वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स. और दूसरी वाली कंडीशन जो है ये क्या है?
फॉल्स दोनों पण फॉल्स आहे console.log इज पास्ट क्या आएगा फॉल्स फॉल्स आएगा फॉल्स अब पहली कंडीशन क्या है ट्रू है ट्रू है सर और दूसरी कंडीशन फॉल्स फॉल्स है आउटपुट क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए ट्रू और क्या कहता है अगर एक भी ट्रू आती है तो ट्रू अगर इफ ऑल कंडीशन अगर फॉल्स है तो ही फॉल्स देगा नहीं तो एक भी अगर राइट होगी तो वो देखो क्या देता है क्या आप अगर रियल टाइम का सोच रहे हो तो यहाँ पे हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए क्या आप लोग का ऐसा है मैथ में अगर आप पांच सब्जेक्ट है टेंथ के बोर्ड के लिए मानो या ट्वेल्थ के बोर्ड के लिए अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको पास किया जाता है या फेल्ड बताया जाता है तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए एंड करना चाहिए एंड अभी ये पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है फॉल्स 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 आउटपुट तो क्या ये रियल टाइम सिनेरियो में ओके है ये चल जाएगा काम यस सर यस सर और एक सिनेरियो बता देता हूं मैं आप लोगों को ठीक है अरे यार स्क्रीन एक मिनट देना मुझे लेट पासवर्ड लेट्स सी 1 2 3 लेट यूजर आईडी ठीक है अब बताओ कि अगर आप कहीं पेज लॉगिन कर रहे हो कोई अकाउंट पे तो आपका यूजर नेम यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भी क्या होना चाहिए मान लो अगर लेट इज लॉग्ड इन मतलब लॉग इन करना है कि नहीं पास इक्वल इक्वल 1 2 3 यहाँ पे मैं अगर और लिख देता हूँ यूजर आईडी इक्वल इक्वल नहीं सर एंड यूज करना चाहिए बाकी लोगों को मतलब हम लोग दिखा देखने चाहते कि क्या यूज करना चाहिए हाँ तो इस सिनेरियो में सब लोग बोलो कि पास जो है पास की वैल्यू इक्वल है क्या 1 2 3 से ये कंडीशन क्या है ये कंडीशन क्या हो गई एचडी 13 वाले लोग बोलिए और यूजर आईडी 789 है क्या यहाँ पे इसके बराबर है ये क्या रिटर्न करेगा फिर ये ऑपरेटर दोनों स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा अब आपको क्या लग रहा है ट्रू तो ये सिनेरियो में ट्रू मतलब वो लॉगिन करने के लिए सक्सेसफुली देगा फॉल्स का मतलब लॉगिन करने के लिए नहीं देगा तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाना हमें जरूरत होगा एंड वाला देखो आउटपुट देखो एक बार और वाला ही ठीक है और वाले से क्या आ रहा है हमने यूजर आईडी सही डाला है या गलत डाला है गलत गलत
देखो यहाँ पे यूजर आईडी इक्वल टू हमें ये चेक किया है, अगर हम लोग यहाँ पे एंड एंड यूज करेंगे तो फॉल्स का मतलब है उसे नहीं जाने देगा वो अंदर। अगर ये तभी एग्जीक्यूट होगा 789, अभी मुझे बताओ ये वाला जो है ये ट्रू हो रहा है? Yes, sir. ये पहला ट्रू, ये दूसरा ट्रू, ये ट्रू है? No. Yes. चेक करो, वैल्यू चेक करो, ये ट्रू है? Yes, sir. Yes, sir. अगर दोनों ट्रू है तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? दी हुई कंडीशन ट्रू है। ट्रू ठीक है, ये वाला ठीक है। तो आप लोग शायद थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप लोगों को आइडिया आ जाएगी, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। और मैं इसका भी ऑपरेशन, इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा दूं टर्नरी का, एंड देन टाइप ऑफ शायद कल भी कर ले, बताओ। हाँ सर। कितने लोग हैं बोलो भाई, जो हाँ बोल रहा है उसका ही सुनना पड़ेगा मेरे को, ना है तो ना बोलो किसी का, ठीक है? बोलिए। कल कर लेंगे सर। यस सर। हाँ सर, अभी तो बताइए हो जाएगा। क्लियर करने के लिए देखो ये बहुत सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अभी अगर ये इज लॉकडाउन, लॉग्ड इन जो है ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैसेज जो है मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इस लॉग्ड इन अगर ट्रू है, जैसे कि देखो इसके अंदर अगर ट्रू है तो वो बोलेगा लॉग इन सक्सेस, एल्स नहीं तो ये क्या बोलेगा, लॉग इन इनवैलिड क्रेडेंशियल या जो भी कुछ आपको देना, इनवैलिड क्रेडेंशियल और कंसोल डॉट लॉग एमएसजी यानी मैसेज। और ये सच में फंडामेंटल 90% इस्तेमाल करते हैं हम लोग, याद रखना फंडामेंटल ही सबसे बढ़िया है, वही हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम में। तो अभी अगर यहाँ पे ट्रू है तो लॉगिन सक्सेस में ये जो अगर ट्रू है तो ये लॉगिन सक्सेस किसके अंदर स्टोर होगा? मैसेज के अंदर। अगर यहाँ पे अगर फॉल्स है तो वो क्या स्टोर होगा मैसेज के अंदर? हाँ, ये जो कोलन है, ये कोलन अगर क्वेश्चन मार्क के पहले आप कंडीशन दीजिए, अगर ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ पे स्टोर होगा, अगर ये फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला जो भी कुछ आप रखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कल हम लोग वापस से टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी क्या आउटपुट आएगा देखो, अब क्या आएगा? इनवैलिड इनवैलिड। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए।